हेलो एवरीवन, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ डब्ल्यू जयसवाल और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डब्ल्यू फ्रेंडशिप क्लासेस में। तो आज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्स को मेनली चार भागों में बांटा गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं। सो 18 एलिमेंट्स, इससे क्या है, पूरी वैसे माना जाता है कि पूरा यूनिवर्स अभी फिलहाल जितना भी डिस्कवरी हुआ है कि पूरा यूनिवर्स 118 एलिमेंट्स तत्वों से मिलके बना हुआ। हालांकि अभी और रिसर्च चल रहा है, तो उम्मीद है कि और कुछ खोज हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो जितना साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया तो 118 एलिमेंट्स ही आया, जिसमें से उसको चार भागों में डिवाइड कर दिया गया, चार ब्लॉक में रख दिया गया। पहला जो ब्लॉक रखा गया उसको कहा गया एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक रखा गया उसको बोला गया पी ब्लॉक, तीसरा को कहा गया डी ब्लॉक और चौथा को कहा गया एफ ब्लॉक। यह ब्लॉक बांटा क्यों गया जी, क्योंकि ब्लॉक बांटने से क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स थे उनके फंक्शंस को समझने में क्या होता है, हमको बहुत ही आसानी मिलता है। इसमें से हम लोग देखेंगे तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के तत्व तो हैं, वो आपको 11th में आपने पढ़ा। और अभी क्या है, आपको दो ग्रुप होता है इस ब्लॉक का, पहला और दूसरा, जो कि आपको फिलहाल 12th के लिए तो पढ़ना नहीं है, हालांकि कंपटीशन के लिए आपको पढ़ना है, जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि भाई ये फर्स्ट ब्लॉक का जो पहला समूह है उसका यह एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ट्रांसियम। दूसरे ग्रुप में क्या है जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ये आपको फिलहाल पढ़ना नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि भाई एस ब्लॉक में यह दो ग्रुप होता है और इसको मेनली एस ऑर्बिट के आधार पर सजाया गया कि एस ऑर्बिट में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसीलिए इसको क्या है मॉडल पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप बना के रख दिया गया, ठीक है। 11th का पोर्शन है, हालांकि आप चाहते हैं उसको प्रिंट में बता दे रहा हूँ कि भाई कॉलेज ग्रुप याद रखेंगे क्या, लेना गर्व से फरिया, दूसरे ग्रुप याद रखेंगे बेटा मैं काला शर्ट बाप का, ऐसे आपको क्या हो जाएगा दोनों ग्रुप याद रहेगा। अब बात करते हैं 12th का पोर्शन, 12th का पोर्शन में देखेंगे तो 11th के पोर्शन में एक और चीज आता है जो पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक के दो ग्रुप आ जाते हैं थर्ड और फोर्थ, जिसको हम लोग 13वां 14वां ग्रुप भी कहते हैं, यह भी क्या है आपका 11th का ही पोर्शन है। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या आता है जी, 13th ग्रुप पे देखेंगे तो क्या आता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम और निहोनियम NH, ठीक है। ये 13वां ग्रुप के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। 14वां में बात करें तो हम लोग देखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और टेरोबियम। इसको कैसे याद रखेंगे, हालांकि 11th का पोर्शन है तो फिलहाल शॉर्ट ट्रिक ही सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसको याद रखेंगे 13वें को बैगन, आलू, गाजर, ये छाला NS कर सकते हैं ना, आलू या ना आलू, ठीक है। 14वां ग्रुप का हम लोग बात करेंगे तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जिसका शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ, काशी जी सुनो प्रवचन फुल, काशी जी सुनो प्रवचन फुल हो गया। तो ये आपका 11th का पोर्शन पूरा तैयार हो गया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है। एस में क्या दो ग्रुप होते हैं फर्स्ट और सेकेंड, और पी में क्या होते हैं स्टार्टिंग के क्या थर्ड और फोर्थ, इसको पहले कहा जाता था, लेकिन बाद में क्या है जब डी ब्लॉक का डिस्कवरी हो गया, सजा दिया गया, तो इसको बीच में डी ब्लॉक को 10 फिट किया गया, तो यह 10 ऐड हो गया, तो ये थर्ड था पहले, लेकिन 10 जोड़ देंगे तीन में तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसलिए 13वां हो गया या 14वां हो गया। लेकिन अब जानिए इसको क्या कहा जाता था पहले, पहले इसको पहले को 1 है, दूसरे को 2 है, तीसरे को 3 है, 14वें को सॉरी 13वें को 3 है, 14वें को 4 कहा जाता था पहले का जो रेड टेबल का अरेंजमेंट था। तो यह था आपका पूरा 11th का पोर्शन। अभी बात करेंगे हम लोग 12th के पोर्शन में, तो 12th का पोर्शन स्टार्ट होता है आपका 15वें ग्रुप से, 15, 16, 17 और
यह आपका क्या है, पी ब्लॉक का है, यह क्या है आपका पी ब्लॉक का है, ठीक। तो अभी हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में क्या होते हैं, एस में देखा कि भाई क्या है, एस में दो ग्रुप होते हैं, उसी तरीके से पी ब्लॉक में क्या होते हैं, तीन तीन छह छह ग्रुप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है तीन क्या होते हैं सबऑर्बिट होते हैं। उसमें देखा गया कि क्या है, उसमें जो उपकोष कह सकते हैं उसमें मैक्सिमम क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, छह अधिकतम भर सकते हैं, इसलिए इसका छह ग्रुप बनाया गया, ठीक है। पंद्रह चौदहवा पंद्रहवा सोलहवा सत्रहवा अठारहवा, हालांकि आपको तेरहवा चौदहवा तो इलेवंथ का ही पोर्सन है, थर्टीन फोर्टीन जिसको आपको क्या है पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्वेल्थ में, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए क्योंकि आपको फार्मूला बनाने में काफी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट होता है ट्वेल्थ का पोर्शन क्या है, तत्व में शुरू होता है क्या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्या शुरू होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने देखा क्या पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, एक लेसन भी है पी ब्लॉक के तत्व लेसन है, इसी लेसन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफी इम्पोर्टेंट लेसन है, हर साल इससे सिक्स सेवन मार्क्स टच किया जाता है और काफी इजी लेसन भी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है वो पढ़ना है और याद कर लेना इतना ही है, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उठा कर पूछ देता है कि ये प्रोसेस बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए, या नाइट्रोजन फैमिली का बताइए, कार्बन फैमिली का बताइए, कार्बन फैमिली सॉरी तो इलेवन का पोर्सन है। बात करेंगे हम लोग क्या पंद्रहवें ग्रुप में, तो पंद्रहवें ग्रुप को देखा जाए तो फिफ्टीन ग्रुप को स्टार्टिंग होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मर और मास्कोबियम एनसी क्या होता है, इसको पंद्रहवें को हम लोग क्या कहते हैं, पंद्रहवें को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, इसे हिंदी में नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि पंद्रहवें को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि जितने भी मुखिया होते हैं घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं के नाम से पूरा क्या होता है फैमिली जानी जाती है, ठीक है। उसी तरह से बिल्कुल क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स आता है पंद्रहवें ग्रुप का, फिफ्टीन ग्रुप का जो पहला तत्व आता है एलिमेंट्स वो क्या नाइट्रोजन है, इसी वजह से क्या है, इसी के जैसे जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ और मस्कोबियम एमसी, यह क्या होते हैं नाइट्रोजन की पूरी कॉपी करते हैं, उसी के जैसे थोड़े थोड़े होते हैं, इसलिए इसको क्या है नाइट्रोजन फैमिली कहा गया कि भाई एक ही जैसे एलिमेंट्स हैं और एक ग्रुप में एक समूह में, इसलिए क्या कहा गया इसको नाइट्रोजन फैमिली कहा गया। इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ क्या, एन एन से बना लेंगे आप चाहे तो अपने मन से भी बना सकते हैं, हालांकि बता दे रहा हूँ क्या हो सकता है इसका, याद रखेगा ट्रिक है, आप चाहे तो अपने मन से बना सकते हैं। नाना पटकर ऐश्वर्य सब बिंदास मस्त, ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा पंद्रहवा ग्रुप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नाना से नाइट्रोजन, पार्टिकल से फास्फोरस, ऐश्वर्य से आर्सेनिक, सब से क्या एंटीमनी, सॉरी हाँ सही है एसबी है, एसबी मतलब एंटीमनी होता है, बीआई है बिस्मथ, बिंदास से बिस्मथ, मस्त मस्कोबियम, एक नया एलिमेंट्स खोजा गया है मस्कोबियम मस्त, ठीक है। तो आपको ये पूरा पंद्रहवा फैमिली दिमाग में आ गया क्या क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। अभी यह देखा आपने नाइट्रोजन फैमिली, आगे बात करते हैं सोलहवा ग्रुप का, तो सोलहवा ग्रुप में आ जाता है देखिए क्या आता है, ऑक्सीजन सल्फर सिलिनियम टेलुरियम पोलोनियम और लिवर मोरियम एलवी, यह भी एक बिल्कुल नया तत्व नया एलिमेंट्स खोजा गया एलवी यानी लिवर मोरियम, हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं गया लेकिन एनसीईआरटी में इसका पूरा नाम दे दिया गया, 2000 में इसको खोजा गया था, मास्कोबियम को 2016 में इसका नाम दिया गया था, इसलिए आपके एनसीईआरटी में दे दिया एलवी, ठीक है, इसलिए इसको जानना जरूरी है क्योंकि जब आपके सिलेबस में दिया है तो पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन फैमिली बताइए सोलहवा ग्रुप बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा
इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया तो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलिनियम प्रोलियम और लीवर मोरियम को हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको चाहे तो आप याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं क्या। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को याद रखिए वो, और फिर क्या सल्फर, सल्फर सेलेनियम, सेलेनियम को से ठीक है, टेलुरियम टी टी से टेलुरियम ठीक, को से कोई लिख देते हैं पोलोनियम, एलवी से लोह में बना दे रहा ठीक है, ओ से टीपो लो ठीक है, यह ट्रिक आपको याद रहेगा कि सोलामा ग्रुप आपको पूरा याद रहेगा कैसे, ओ से टीपो लो मतलब क्या जी, ओ से ऑक्सीजन, सो से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेलुरियम, पो से पोलोनियम और एलवी यानी लोह से लीवर मोरियम ठीक। अब यह आपको सोलामा ग्रुप याद रहेगा, ऑक्सीजन परिवार ओ से टीपो लो। तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं, आप ट्रिक से पूरा 16वां ग्रुप याद रख सकते हैं। आइए बात करते हैं 17वां ग्रुप, तो 17वां ग्रुप पी ब्लॉक का आता है फ्लोरीन फैमिली होता है, किससे स्टार्ट होता है जान ही गए होंगे, 17वां है तो भाई फ्लोरीन है, इसको हेलोजन भी कहते हैं, तो हेलोजन क्यों कहते हैं, हेलोजन का मतलब होता है कि भाई हेलो मतलब साल्ट होता है, जल मतलब प्रदूषण होता है, ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं साल्ट में होते हैं, साल्ट मतलब जितने भी लवण देखे होंगे आप खाए होंगे नमक, उसमें इसमें से 17वां ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। जैसे मैं बात करते हैं हम लोग दिखाई देता है क्या, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टरडीन और पेरासाइन ठीक, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे देखिए एफ से शुरू है क्लोरीन, फिर क्लोरीन को कल क्लोरीन, बी आर से आप याद रख लेंगे बाहर ब्रोमीन ठीक है, उसके बाद क्या आई से आई लिख लेते हैं आयोडीन, एटी एटी क्या होता है, एटी होता है एस्टरटीन, एटी क्या होता है एस्टरटीन, तो इसका मैंने ट्रिक बना लिया क्या आर टू, एटी से आर टू, टी एस एक नया एलिमेंट से बिल्कुल ही नया तत्व है एलिमेंट है, इसलिए भी आपके एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है, तो इसका मैंने कुछ नहीं मिला तो टैक्सी लिख लिया, टैक्सी क्या ले लिया टैक्सी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसका पूरा 17वां ग्रुप याद हो गया, आपको कैसे याद हो गया, फिर कल बाहर आई ऑटो टैक्सी, ध्यान देंगे क्या, फिर कल बाहर आई ऑटो टैक्सी, और देखेंगे तो दिखाई देगा आपको, फिर यानी क्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, टैक्स ऑटो से एस्टाटीन और टैक्सी से टेरासाइन ठीक है, आपको ये 17वां ग्रुप पूरी तरह से याद होगा। इसको ध्यान देंगे क्या कहते हैं, इसको हैलोजन भी कहते हैं, साल्ट बनाने के कारण क्या होता है, हेलो मतलब साल्ट और जन मतलब फॉर्मेशन बनाना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं लवण बनाने वाला समूह साल्ट फॉर्मेशन ग्रुप भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं जी हमें साल्ट बनाने में हेल्प करते हैं ठीक है, तो दैट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं लास्ट ग्रुप का, लास्ट है 18वां ग्रुप, तो देखेंगे 18वां ग्रुप क्या है जी, 18वां है क्या हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन जेनान रेडान और ओजी से ओगनासन, ओजी से ओगनासन देखिए क्या है जी, ध्यान देंगे एक बार, हीलियम एच से, एनी से नियान, ए आर से आर्गन, के आर से क्रिप्टन, जेड एक्सिस से जेनान, आरएन से रेडान, ओजी से ओगनासन। अब इसको कैसे कहेंगे याद रखेंगे, अब देख लेते हैं 18वां को हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, क्या कहते हैं नोबल गैस कहते हैं, जिसको हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है भरा होता है, अष्टक पूरा का पूरा भरा होता है, कहेंगे अष्टक क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले पूरा
समझ लेंगे कैसे इसको याद रखना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अष्टक ऑक्टेट क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं और क्या उसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा, चलिए इसको हमने बनाया, ट्रिक क्या बनाया जी, हे हीलियम को मैंने बना लिया हे एनी अर्कर। देखिए हेनी अर्कर मतलब क्या, हेनी अर्कर मान लेते हैं किसी का नाम है, ठीक है, हेनी अर्कर क्या है, किसी का नाम है, हेनी अर्कर क्रिकेट खेलते हैं और क्या हो रहा है, हेनी अर्कर जी जीरो रन पे आउट हो जा रहे हैं, इसीलिए इसका ट्रिक मैंने बनाया क्या, हेनी हेनी अर्कर जीरो रन आउट, ठीक है। अभी देखिए इससे क्या होगा, हेनी अर्कर जीरो रन आउट से कैसे आपको याद हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरती से याद हो जाएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हे से हीलियम, नी से नियान, अर से आर्गन, कर से क्रिप्टान, जीरो से जनान, रन से रडान, उजी से ओग्नेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हेनी अर्कर जीरो रन आउट से आप कैसे पूरा का पूरा 18वां ग्रुप 18th ग्रुप अच्छे से याद कर लेंगे। तो अभी मैंने बताया कि क्या होता है, एलिमेंट्स पूरी दुनिया में जितने भी स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिससे कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ बना है, कोई भी मटेरियल बना है, मैटर बना है, पदार्थ बना है, उसका सबसे छोटा पोर्शन क्या है जी, उसका सबसे छोटा पोर्शन एलिमेंट्स होता है, जानते हैं हमारे बॉडी है, बॉडी सेल से बना है, सेल क्या है, एटम्स मॉलिक्यूल से बने हैं, उसमें क्या है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और उस एलिमेंट्स को चारों भागों में SPDF में बांटा गया और उसमें हमने देखा कि S वाला पहला दूसरा और P वाला 13वां 14वां क्या है, थर्ड और फोर्थ ग्रुप क्या है, 11th का पोर्शन है जो कि हमको पढ़ना नहीं है। तो हमको क्या पढ़ना है जी 12th में, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्या, हमारा जो टॉपिक है हुआ है 12th के पोर्शन के लिहाज से मैं कहूँ तो वह है सिर्फ और सिर्फ क्या, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ जी, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपने पूरा हालांकि याद तो कर लिया कि क्या होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां से स्टार्ट हुआ, लेकिन हम लोग 13वां 14वां 11वां का पोर्शन इसलिए इसको स्किप करते हैं, उसको रहने देते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे 15वां 16वां 17वां 18वां से। तो सबसे पहला बात आता है कि व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। तो आप जान लीजिए क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ होता है एटॉमिक नंबर, इसका 7 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, 8 होता है। अब देखिए ये जो 7 होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कहाँ भरते हैं जी, वो कुछ ना कुछ ऑर्बिट में भरते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भरते हैं कुछ ना कुछ ऑर्बिट में, तो हम लोग इसको कैसे भरते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन देखिए कैसे भरा जाता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 है, तो अगर हम इसको भरे तो भरते हैं क्या 1s2 2s2 2p का 3। तो हो सकता है आपको यह नहीं आता हो कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन भरा कैसे जाता है, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा कि हाँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता, इलेक्ट्रॉन सजाना नहीं आता, उसके ऊपर वीडियो बनाइए तो मैं अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जानिए नाइट्रोजन का 7 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते हैं क्या 1s2 फिर क्या 2s2 और 2p3। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, जो अंतिम का इलेक्ट्रॉन है वो कहां भर रहा है, वो भर रहा है हम लोग का कौन सा ऑर्बिट में पी, यानी ऐसे पदार्थ जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरे पी ऑर्बिट में, किसमें भरे पी ऑर्बिट में क्या जी, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरे पी कक्षक में भरे, इसी पदार्थ को क्या कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। द एलिमेंट्स विच फील्ड देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिट कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ऐसे पदार्थ जिनका क्या होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरता है, इसी को क्या कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आई होप दैट समझ में आया होगा और ये पूरा ट्रिक समझ में आया होगा कि 15, 16, 17, 18 चार ग्रुप आपको पढ़ना है 12th के लिहाज से और चारों हमने बहुत अच्छे से देख भी लिया।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जितने भी वीडियोस होंगे रेगुलर रहेंगे, डेली बाय डेली आपको दिया जाएगा, चाहे संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, आपको रेगुलर पर डे वीडियो मिलेंगे। केमिस्ट्री के 12th के लेक्चर आपको रेगुलर बाय रेगुलर मिलेंगे, तो शेयर कर दीजिए जितने बच्चे हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे काफी इरिटेट हो रहे हैं, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो मान के चले कि मैंने वीडियो क्या एकदम स्टार्टिंग से बनाया है, और किसी ने एकदम नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ेगा डायरेक्ट, तो उसको समझना है। ऐसा नहीं है कि उसको समझना है, उसको पूरी तरह समझना आएगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आप कमेंट करके पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए मेरे, ठीक है। टीचमेंट का ऐप बनाया जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीचमेंट का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप वहाँ पे जाके मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव चलता है क्लासेस, ठीक है, वहाँ पे भी आप डाउट कन्फर्म कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स लोग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।